हाँ यार, कैसे हो तुम लोग? यार कैसा है मेरे भाई? हाय सपना, कैसा है? तुम तो बिल्कुल नहीं बदले यार। हाय, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कुछ नहीं बदला, सिर्फ मैंने मेरा वेट लूज किया है। हाँ देखो ना, एकदम सूख के काटा हो गया बेचारा। नहीं दीपू, बिल्कुल चेंज मत करना, तुम ऐसे की ऐसे क्यूट हो। आए मेरे क्यूटी पाई। ओके गाइस, लिसन लिसन, फ्रेंडशिप, फैमिली, जॉब, किसी के बारे में भी कोई कुछ नहीं सोचने वाला। हम लोग 10 साल बाद मिले हैं, 10 इयर्स। वैसे मस्ती करेंगे जैसे कॉलेज में क्या करते थे। आज तो फुल ऑन मस्ती करेंगे। ये क्या सरसी? या इधर उरे देख। सर 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 संभाल के, फर्श गीला है। ओह सॉरी सॉरी, इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। सर स्लीपर यहां उतारना है। स्टीम ब्रो। यस सर। बंटी सिट, तुम लोग हो ना? अरे यार, मुझे बिना बोले तुम लोग आ जाते हो यहां पे, मेरी कोई परवाह ही नहीं है। हाँ, मैं इडियट की तरह तुम्हारे पीछे पीछे भागते रहता हूँ। अरे कोई है? दीपू चिल्ला मत यार। कसम से यार, कितना रोता है यार, बैठने यार चुपचाप। मैं रोता हूँ और तुम लोग? दीपू चिल यार। नहीं यार ऋत्विक, ये बंटी और अंकुर ना हमेशा ऐसे ही करते हैं, बुलीज। कॉलेज में भी बुली करते थे और आज भी बुली कर रहे हैं। जस्ट शट अप दीपू, हम स्टीम रूम में रिलैक्स करने आए हैं, परेशान मत कर यार। अच्छा परेशान मैं कर रहा हूँ? शट अप दीपू। क्या यार दीपू, क्या हुआ यार? मैंने कुछ नहीं किया तो फिर ये ठीक कैसे थी? अरे यार कोई दरवाजा खोलो यार, स्टीम कम होगा तब तो देख पाएंगे। अंकुर अंकुर अंकुर, अरे गाइस, अरे गाइस सुनो, गाइस सुनो, अरे गाइस सुनो। क्या हुआ दीपू, क्यों चिल्ला रहा है यार? वो वहां पे क्या है तुझे? अरे अंकुर का खून हो गया है। हाँ खून? क्या ये क्या बोल रहा है यार? अगर तू मजाक कर रहा है तो ठीक नहीं होगा। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, किसी ने अंकुर को चाकू मार के खून कर दिया है, स्टीम रूम में पड़ा हुआ है। मंजू आइए सर। कहाँ है बॉडी? सर लाश अंदर है। आप लोगों ने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं सर, लाश देखी और हमने स्टीम रूम बंद कर दिया, तब से हम सब बाहर ही खड़े हैं। अभिजीत ये देखो, ये गले की नस कट गई है, यहां से बहुत ज्यादा खून बहा है इसीलिए मरा ये। पर ये लोग बोल रहे थे चाकू लगा है, चाकू तो कहीं दिख नहीं रहा।
चाकू तो कहीं नहीं है। आप लोगों ने लाश के पास से चाकू हटाया है क्या? नहीं नहीं सर, हमने तो हाथ भी नहीं लगाया। हाँ सर, जब हमने दरवाजा बंद किया तब चाकू वहीं था लाश के पास। आपके दरवाजा बंद करने के बाद कोई अंदर गया? नहीं सर, कोई भी नहीं गया। रियली? मालूम है आप लोग क्या बोल रहे हो, हैं? एक खून हुआ है अंदर, लाश और चाकू दोनों अंदर है। आप लोग दरवाजा बंद करके बाहर आते हो, कोई अंदर जाता नहीं है। और चाकू, चाकू अपने आप गायब हो जाता है, हैं? कोई मुझे समझा सकता है कैसे हुआ ये? सर, लगता है ये लोग जब वहां से भाग के आ रहे थे चाकू किसी ने छुपा दिया। तलाशी लो इनकी, तलाशी लो। हाथ ऊपर करो। सर, इनके पास तो चाकू नहीं है। अब इन लोगों का सर, हमारी हालत तो देखिए, कहां छुपाएंगे हम चाकू? कमाल है, चाकू अगर इनके पास नहीं है तो गया कहां? सर, इसके गले में चाकू मारा है। एक मिनट। आदिया, वह अंकुर की मौत कैसे हुई? किस तरह से? कातिल ने उसके गले में चाकू मारा है। यह मंजू का खून भी कुछ वैसे ही हुआ है। दया, जिस चाकू से हमला हुआ है वो चाकू है वहां पे? हाँ। ये क्यों, क्या हुआ? यार, यहां से चाकू गायब है। क्या, चाकू गायब हो गया? अच्छा, एक ही रिसोर्ट में एक ही साथ दो अलग अलग जगहों पे दो दोस्तों का खून? वो भी ठीक है, कि तरीके से ठीक है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। पूर्वी, इस चाकू को भी फॉरेंसिक में भिजवा दो। एक लड़की की गला रेत के हत्या की जाती है, वो भी तब जब वो तुम लोगों के पास में बैठी है और तुम में से किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं। हा? सर, हम सब हॉट टब में रिलैक्स कर रहे थे, मेरी तो आंख लग गई थी, कुछ पता नहीं चला। और आप सब लोग, सबकी आंख लग गई थी? हा? और मंजू, मरते समय उसने अपने आप को बचाने की कोशिश तो की होगी, हाथ पैर चलाया होगा, तब भी किसी को पता नहीं चला? सर, आपने यहाँ से चाकू उठाया? चाकू नहीं तो क्यों? सर, सर चाकू नहीं मिल रहा है। चाकू नहीं, अभी अभी तो यहीं था, कहाँ गया? सर, हम तो यहीं पर हैं, हमारी आंखों के सामने ये चाकू गायब कैसे हो गया? ऋत्विक, अब तुम्हारी बारी। देखो, ये बात तय है कि कातिल तुम लोगों में से कोई है। अब साफ साफ बता दो कि अंकुर और मंजू को कौन जान से मारना चाहता था? आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमने उनको मारा है? सर, वो दोनों हमारे दोस्त थे, हम उन्हें क्यों मारेंगे? ये घड़ियाली आंसू मुझे मत दिखाओ, समझी? जब उन दोनों का खून हुआ तो तुम ही लोग थे उसके आसपास, तुम लोग। अब ये ड्रामा बंद करो और साफ साफ बताओ, तुम में से कौन उन दोनों से इतनी नफरत करता था कि उनका खून करते? तुम सब कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे ना, कॉलेज के दिनों में, हो सकता है तभी कुछ हुआ होगा किसी के साथ, जो इतनी नफरत है कि 10 साल बाद भी वो नफरत मरी नहीं, और आज मौका मिलते ही उन दोनों को मार दिया। या तुम भला इसी में है कि अपना गुनाह कबूल कर लो, समझे?
क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मारा उन्हें? स्वप्ना, स्वप्ना अंकुर की जान लेना चाहती थी। अरे झूठ बोल रहा है। मैंने आज अपनी आंखों से देखा है जो तुम कर रहे हो ना, वो अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या करोगी तुम? हाँ, तुम सिवाय शोर मचाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती हो। तुम्हारी लगाम मेरे हाथों में है, मेरे हाथों की कठपुतली हो तुम। मैं जैसा चाहूंगा तुम वैसा ही करोगी, और ये तुम्हें भी पता है। सो लेट मी गो। आई हेट यू। बाय। आई हेट यू अंकुर, आई हेट यू। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी तुम्हें। स्वप्ना, क्या कह रहा है ये? नहीं सर, ये बात सच है कि स्वप्ना अंकुर से नफरत करती थी, बहुत नफरत। लेकिन सर वो अंकुर। चुप। लेकिन क्या? स्वप्ना और अंकुर पति पत्नी थे, लेकिन अंकुर ने स्वप्ना को छोड़ दिया था, उनका डिवोर्स होने वाला था। तो इसीलिए तुम अंकुर से इतनी नफरत करती थी? हाँ सर, ये वजह नहीं थी। हमारा तलाक तो वैसे भी होने वाला था। वो इंसान मेरे बच्चों को मुझसे छीनना चाहता था। कोर्ट में मुझ पर झूठे झूठे इल्जाम लगाकर मेरे बच्चों को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैं उससे नफरत करती थी। मैं अंकुर से बहुत नफरत करती थी सर, लेकिन मैं उसे मार नहीं सकती। और सर, जिस टाइम पे उसका मर्डर हुआ, हम सब हॉट टब में थे। अरे तुम तो वहीं थे ना, स्टीम रूम में। दया, जब तुम लोगों से पूछ रहा था कि कौन है जो मंजू और अंकुर से नफरत करता है, तो तुम्हारा चेहरा देखने लायक था। क्या बात है, तुम्हारे और मंजू के बीच में कुछ था? कोई प्रॉब्लम थी? पसंद नहीं करते थे उसे तुम? सर आप क्या कह रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, इसको समझाओ। मैं एक सवाल बार बार नहीं पूछता हूँ, इनके सवाल का जवाब दो। ये दूसरी बार सवाल मुंह से नहीं करेंगे, हाथ पैर से सवाल पूछेंगे। मुंह खोल। ठीक है सर, मैं बताता हूँ। देखिए सर, मैं मानता हूँ कि मैं मंजू से नफरत करता था। एक तो मैंने दोस्त होने के नाते उसकी मदद की, उसे अपने कंपनी में जॉब भी दिलवाई, और उसने क्या किया, मेरे बॉस की खास बनकर मेरी ही नौकरी काटने के चक्कर में लग कर चिढ़ाती थी मुझे उससे, और वो इसी के लायक थी। लेकिन सर, चाहे जो भी होता, मैं उसे मारने के बारे में नहीं सोच सकता सर। इनफैक्ट मैं तो वहां था भी नहीं उसके पास। अरे हाँ, ये तो वहां पर था ही नहीं, ये तो स्टीम रूम में था जहां पे अंकुर का खून हुआ था। करेक्ट। अच्छा प्लान बनाया है तुम दोनों ने मिलकर, अच्छा प्लान बनाया है। क्या बात है। एक ये है स्वप्ना जी, जो अंकुर से छुटकारा पाना चाहती थी, और ऋत्विक को मंजू से, और फिर दोनों ने एक दूसरे का काम कर दिया, उन दोनों का खून कर दिया। राइट। ये आइडिया कौन सी फिल्म से लिया तुमने? ऐसा कुछ नहीं है सर, ना ही हमने कोई प्लानिंग की और ना ही किसी का खून किया। बिलीव मी सर। किसने खून किया है और किसने नहीं, ये सब पता चल जाएगा। एक बार वो चाकू हाथ लग जाए। चाकू इस तरह से गायब तो नहीं हो सकता, यहीं कहीं होगा। पूर्वी, चाकू मिला? नहीं सर, ढूंढ रही हूँ। ठीक है, ढूंढो, हम लोग आसपास देखते हैं। रेडी सर, ये जूतों के निशान देखो, मतलब निशान अभी बने। इसका मतलब पंकज, यहाँ पे कोई छुपा हुआ था। और ये देखो, ये मुरझाए हुए पत्ते। सर यहीं से टब में क्या हो रहा था वो देख रहा होगा। पंकज, इसका मतलब ये जो यहाँ पे छुपा हुआ था ना, इसी ने मंजू को मारा है। पीओपी लेके आता सर, निशान का खाचा बना लेता हूँ।
तुम देखो, लेकिन ये सब हुआ कैसे? तुम बेहोश कैसे होगी? पता नहीं सर। सब रेडी है? हाँ सर। और पूर्वी, उसका क्या हाल है? सर ठीक है, वो डॉक्टर सालम के चेक कर रहे हैं उसे। ठीक है, बुला सबको, देखते हैं अंगूठी और जूते के निशान किससे मैच होता है। आइए आइए, इस तरफ आइए। देखिए, अब एक आदमी से जुड़े कुछ कुछ सुराग मिले, जैसे कि ये जूते का निशान और एक मिनट एक मिनट, आप में से कोई एक यहाँ पर नहीं है शायद। कौन नहीं आया? ऋत्विक, ऋत्विक नहीं दिख रहा, कहाँ है वो? सर उसे भूख लगी थी तो वो किचन की तरफ कुछ खाने गया है। भूख लगी है? क्या तुम शुरू करो, मैं देखता हूँ ऋत्विक का क्या हाल है। ठीक है, रेडी। इन सबको अंगूठी पहना कर चेक करो, और पंकज जूतों के निशान चेक करो। आप आइए। नेक्स्ट, सर मैच रेडी, अंगूठी ट्राई करो। सर परफेक्ट मैच। अक्षता वहां खड़े हो जाओ। नेक्स्ट, मैच सर। नेक्स्ट, नहीं सर। मैच सर। अंगूठी मैच। तो आप तीनों में से कोई एक उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, मंजू का खून करने के पहले या खून करने के बाद? अरे ऋतिक को देखा क्या? नहीं, लेकिन उधर कोई है। ऋतिक, ओह नो, ऋतिक। अरे यार ऋत्विक का खून हो गया है। हाँ किचन में, जल्दी आओ तुम लोग, जल्दी आओ। किसी को देखा था यहाँ से भागते हुए? नहीं। कभी किसी को देखा कोई आदमी यहाँ से गया? नहीं सर। यही, ये देखो। ओह माय गॉड, कब हुआ ये? अरे यार मैं आया तो देखा चाकू इसके गर्दन पे लगा हुआ था, मेरे सामने गिरा हुआ ये। माल यार कुछ कर नहीं पाया, थोड़ा पहले आ जाता तो। अरे पकड़ लेंगे उसे भी यार, तीन तीन खून हो गए। अरे यार ये क्या मजाक है? क्राइम सीन पर तुम सीआईडी ऑफिसर होने के बावजूद छेड़छाड़ कर रहे हो? क्या बात है डॉक्टर, ये मजाक का वक्त नहीं है, खून हुआ ना यहाँ पर। अब मुझे पता है यहाँ पे खून हुआ है, मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ सर? तो फिर कौन कर रहा है मजाक यार? क्या हुआ डॉक्टर साहब? दया, अगर अभिजीत ने नहीं किया तो तुमने किया है, तो मैं मालूम है सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। डॉक्टर साहब रिलैक्स, पहले ये बताइए बात क्या है, क्या हुआ? अरे यार वो चाकू था ना, वो चाकू जिसे खून हुआ है, कहाँ है वो? अरे चाकू यहाँ सिंक में है ना? नहीं है सिंक में कोई चाकू, तो तुम कहाँ गया चाकू? एक मिनट सर, एक मिनट, अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है।
सर, ये चाकू का गायब होना भी कातिल का मोटस ऑपरेंडी है। यहाँ पे 3 खून हुए हैं और तीनों खून में हर बार क्राइम सीन से चाकू ऐसे ही गायब हो गया है। पहले स्टीम रूम में जो बाहर से बंद था, उसके बाद जकूजी में हमारे आंखों के सामने। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? चाकू को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। ये क्या हो सकता है? हम लोगों के सामने यहाँ पर चाकू था लेकिन अब नहीं है। अरे यार, सचमुच में ऐसा लगता है कि ये सब छला हुआ है। या तो हमारा दिमाग खराब हो गया या तो हमारा दिमाग खराब करने की कोशिश किया जा रहा है। ऋतिक भी मारा गया और इस बार भी मर्डर वेपन यानी कि चाकू अपने आप गायब हो गया। हमें लगा कि कोई हमारे दिमाग से खेल रहा है, इसलिए हमने आप लोगों के कमरे की तलाशी ली और हमें ये मिला। क्यों बंटी? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी को सम्मोहित नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। रिलैक्स बंटी, रिलैक्स। हम जानते हैं कि तुमने किसी को हिप्नोटाइज नहीं किया, क्योंकि जब किचन सिंक से वो चाकू गायब हुआ तब हम लोग पूरे होशो हवास में थे। ये ठीक है कि तुमने सम्मोहित नहीं किया, लेकिन सम्मोहित कर तो सकते हो ना? वो जूते का निशान और अंगूठी इन तीनों को फिट हो रही है और हमें ये पता लगाना है कि असल में वो किसकी है। बंटी, तुम्हें सम्मोहन विद्या आती है। हम चाहते हैं कि तुम इन तीनों को सम्मोहित करके ये पता करो कि जब मंजू का खून हुआ तब पेड़ के पीछे इन तीनों में से कौन था। रिलैक्स, लंबी सांस लो। मेरी ओर देखो, मेरी आवाज सुनो और अपना पूरा ध्यान मेरी आवाज पे केंद्रित करो। गुड, लंबी सांस लो और अपना पूरा ध्यान मेरी आवाज पे केंद्रित करो। मेरे चुटकी बजाते ही तुम वो करोगी जो मैं कहूंगा। ये सफीना और अक्षता, ये तो दोनों सम्मोहित हो गए, लेकिन सम्मोहन का असर इस पिंकी पर नहीं हुआ। क्योंकि ये सम्मोहन बमोहन कुछ भी नहीं होता है, और अगर होता भी है ना तो इसको कुछ नहीं आता है, ये तो एक फ्रॉड है। अगर इसको कुछ नहीं आता और ऐसा कुछ नहीं होता तो ये दोनों कैसे सम्मोहित हो गई? वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ने कुछ नहीं किया और सम्मोहन के लिए तैयार थी और इनका ध्यान बंटी की आवाज पर केंद्रित था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हें डर था कहीं तुम्हारी पोल ना खुल जाए। क्यों, क्या छुपा रही हो पिंकी तुम? हाँ बंटी, इन दोनों को सम्मोहन से बाहर ला। और पिंकी, अब सब कुछ सच सच बताओ। ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। पेड़ के पीछे तुम ही छुप के बैठी थी ना? हाँ, वो मैं ही थी, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया है। मैं तो बस स्वप्ना में नजर रख रही थी बस। स्वप्ना? क्यों? क्योंकि अंकुर ने ऐसा करने के लिए मुझे पैसे दिए थे। अंकुर चाहता था कि मैं स्वप्ना की कुछ ऐसी तस्वीरें निकालूं जिससे कि कोर्ट में ये साबित हो सके कि स्वप्ना का दूसरे लड़कों के साथ अफेयर है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई थी। पता नहीं क्यों मुझे वहां पर चक्कर आ गया था, जैसे मुझे आया था, और मैं उस टब में गिर गई थी। और इसकी वजह क्या थी? सर उस पानी में एक केमिकल था और भाप की वजह से वहां मौजूद लोगों के सांस में जाके मिल गया था।
इसी वजह से वहां लोग नशे में थे। इसी वजह से किसी ने मंजू का कत्ल होते हुए नहीं देखा, क्योंकि सब नशे में ही थे। शायद इसीलिए वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी नहीं कर पाई। पिंकी, तुम वहां पेड़ के पीछे कितनी देर तक थी? जैसे ही सब लोग हॉट टब में आ गए थे, तब से लेकर आधे घंटे तक मैं वहीं पर थी। फिर तो तुमने कातिल को भी देखा होगा, याद करो। काले जूते, काली पैंट, हो सकता है रिसॉर्ट का कोई स्टाफ, कोई वेटर। और हमने ध्यान ही नहीं दिया कि इन लोगों के अलावा भी कोई कातिल हो सकता है। चलो देर से ही सही, इस केस में कोई सुराग तो हाथ लगा, लेकिन ये मर्डर वेपन, ये अपने आप गायब हो जाता है, इसका राज क्या है? एक मिनट सर, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये जो चाकू गायब हुआ ना यहाँ से, उसको ढूंढ रहे हैं। भाई निकलते हैं यहाँ से, नहीं तो फंस जाएंगे। चल। पिंकी के मुताबिक वो कातिल यहाँ पे खड़ा था, चूंकि रिसॉर्ट का ही आदमी है, इसलिए वो आसानी से कहीं भी आ जा सकता है। गाइस, रिसोर्ट में 10 वेटर्स काम करते हैं, कड़ी उन सब की डिटेल्स ला रहा है। सर, जब पता चला कि कातिल रिसोर्ट का एक कोई स्टाफ है, तो मैंने सोचा कि कत्ल की वजह कोई 10 साल पुरानी रंजिश तो नहीं हो सकती। कोई तो वजह है जो 12 लोगों में से इन्हीं 3 लोगों का खून हुआ है। कॉलेज के अलावा कोई तो कड़ी है जो इन तीनों को जोड़ती है। तो फिर मिली वो कड़ी? हाँ सर, आपको याद है ऋत्विक ने बताया था कि उसने मंजू को अपनी कंपनी में नौकरी दिलाई थी। एक तो मैंने दोस्त होने के नाते उसकी मदद की, उसे अपने कंपनी में जॉब भी दिलवाई, और उसने क्या किया? और वो उसी की नौकरी छीनना चाहती थी। हाँ सर, सर जब मैंने अंकुर की कुंडली निकाली, तब मुझे पता चला कि वो भी ऋत्विक और मंजू के साथ ही काम करता था। अच्छा। हाँ सर, फीनिक्स राइजिंग फार्मास्यूटिकल्स, ये तीनों मेडिसिन के फील्ड में एक बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे थे, और अगले 2 महीनों में ये उसके रिजल्ट्स भी अनाउंस करने वाले थे। और अब जब इन तीनों का खून हो गया है, तो उस कंपनी को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। इससे उसके राइवल कंपनी को फायदा हो सकता है। सर, इन तीनों की मौत से इनकी राइवल कंपनी को ही फायदा है। और उसने इस्तेमाल किया है यहाँ के किसी वेटर का, है कौन वो? तीनों में से कुछ भी नहीं मिला सर। सर, ये स्टीम रूम के ड्रेनेज पाइप से काट के लाया हूं, शायद इसमें कुछ मिल जाए। स्टीम रूम से? हाँ सर। ये देखो क्या मिला। क्या मिला सर? पंकज, ये चाकू है। चाकू? ये इतना छोटा सा चाकू? हाँ पंकज, समझ लो ये चाकू ही है।
आप लोग प्लीज बैठ जाएंगे। या बैठिए। अब हम आपको यहाँ पे कुछ करामात दिखाने वाले हैं। ये चाकू देख रहे हैं, ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे कातिल ने कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किए थे, और अब मैं इनसे निशाना लगाने वाला हूं। क्या बोलते हो दया, मेरे निशाने पे भरोसा है? मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। देख लेना, एक भी चाकू निशाने पे नहीं लगेगा। अरे सर आप हट जाइए, अगर आपको लग गया तो। अरे निशाना मुझे थोड़ी ना बनाने वाला है, उसके लिए है ना ये, यहां मारेगा। ठीक है, बातें कम काम ज्यादा, निशाना लगाने का टाइम आ गया है। पूर्वी जादू वादू कुछ नहीं है, हाथ की सफाई है, बैठ जाओ। ना ये जादू है और ना ये हाथ की सफाई है, ये साइंस है, विज्ञान। यहाँ हुई तीनों हत्याओं में चाकू के गायब होने के पीछे भी इसी साइंस का हाथ है। और इन तीनों केसेस में जहाँ पे कत्ल हुई है वहाँ पे पानी मिला, और वो भी जिसका तापमान नॉर्मल से काफी ज्यादा था, जैसे स्टीम रूम में भाप, हॉट टब में गर्म पानी, और किचन में भी सिंक की नल से निकलता गरम पानी। ये गरम पानी और चाकू गायब होने का क्या रिश्ता है? काफी गहरा रिश्ता है। ये चाकू स्टील या लोहे से नहीं बल्कि एक ऐसे धातु से बना है जो गरम हवा या गरम पानी में जाते ही पिघल जाता है। गैलियम, देखोगे कैसे हा? आप समझे क्राइम सीन से चाकू कैसे गायब हुए? दरअसल वो गायब नहीं हुए बल्कि गर्म पानी में पिघल के बह गए। कातिल ने जानबूझकर कत्ल की जगह और हथियार ऐसे चुने जिससे कोई सुराग ही ना मिले। लेकिन वो कातिल है कौन? अफसोस की बात है अभी कातिल हमारे हाथ नहीं लगा है, लेकिन जल्दी पकड़ा जाएगा। फिलहाल आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए और आराम करिए। चलिए निकलिए आप लोग। सर इन्हों को जाने क्यों दिया? क्योंकि कातिल के बारे में पता करने के लिए हमें 15 मिनट चाहिए। सर 15 मिनट में कातिल पकड़ा जाएगा? 15 मिनट में कातिल के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन कैसे? रेडी डॉक्टर सालुंके ने जब हमें इस गैलियम के बारे में बताया हम तभी समझ गए कि कातिल बहुत चालाक है, आसानी से हाथ नहीं आएगा, वो भी बिना सबूत और बिना सुराग के तो बिल्कुल नहीं। और इसलिए हमने डॉक्टर सालुंके को ऐसा एक केमिकल बनाने के लिए कहा जो गैलियम के साथ मिलते ही डाई में बदल जाता है। और सर इन कुर्सियों पे हमने वही केमिकल स्प्रे किए जो अब उन लोगों के हाथों में, और जिन हाथों पे गैलियम का असर होगा वहां वो केमिकल नीले रंग में बदल जाएगा। अब हम कातिल को रंगे हाथों पकड़ेंगे। इस केमिकल के रिएक्शन में 30 मिनट लगता है, 20 मिनट हो गए, अगले 10 मिनट में कातिल हमारे सामने होगा।
क्या हुआ, कुछ मदद करें क्या? ये ऐसे नहीं छूटेगा, केमिकल लगेगा इसमें, केमिकल से छूट जाएगा, केमिकल है हमारे पास। मेरा पीछा मत करना, मार डालूंगा मैं। भाई भाई रुक जाओ, मैं मार डालूंगा इसको, गर्दन काट दूंगा। और ये चाकू ना असली है। तुमको बोला था ना कमरे में रहना, यहाँ क्यों आ गए तुम? मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ इसलिए आ गया, सॉरी, मुझे बचाओ। चुप, चुपचाप अपनी बंदूक को स्विमिंग पूल में फेंक दो, वरना मैं मैंने ठीक है। नाक तो मत, बहुत अच्छा लगाया तुम लोगों ने, लेकिन पकड़ नहीं पाओगे मुझे, मुझे चुपचाप यहाँ से निकलने दो, वरना यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकते। हे, ये कुफी मत करना, छोड़ो उसे। मुझे मालूम था कि तुम लोग सच जान जाओगे और मुझे पकड़ लोगे, इसलिए मैंने इंतजाम पहले से करके रखा है। बाहर पार्किंग लॉट में ना मेरी बाइक खड़ी है। यार ये बात तो है, प्लानिंग तो है तुम्हारी, कमाल की प्लानिंग है। पास मत आना मेरे। लेकिन क्या बिगाड़ा क्या इन लोगों ने तुम्हारा? मार दूंगा मैं से। तो मार क्यों रहे इनको? मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी थी इनके बॉस से। मैं भी उसी कंपनी में काम करता था जहाँ वो तीनों थे, और वो प्रोजेक्ट जिसका क्रेडिट उन तीनों को मिल रहा था वो मेरा प्रोजेक्ट था। मैंने इतनी मेहनत करी थी दिन रात उसके लिए, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर मुझे नौकरी से निकाल दिया। कभी मैंने सोचा कि मैं भी उसकी जिंदगी बर्बाद करूंगा, और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनाउंस होने के ठीक पहले मैंने इन तीनों को मार डाला। पर ये सब किया कैसे तुमने? मतलब इतने सारे लोगों को एक साथ बुला लिया, वो भी रिसॉर्ट में। मुझे पता था ये दिनों कॉलेज से दोस्त है। फिर मैंने इस रिसॉर्ट में नौकरी की, और फिर मैंने पिंकी को एक बेहतरीन ऑफर दिया ऑनलाइन इस रिसॉर्ट में पार्टी करने का। ठीक है, तुम यहाँ रिसॉर्ट में काम करते थे तो स्टाफ होने की वजह से कहीं भी आते जाते रहे, फोन करके निकलते रहे, और किसी को कुछ पता नहीं चला, है ना? प्लान कुछ ऐसा था। प्लान तो ठीक है, अगर वो तीनों यहाँ आते ही नहीं तो? किस्मत ने साथ दिया कि तीनों एक साथ आते, वरना जो आता वो मारा जाता। चलता हूँ मैं। हट। तुम्हारी तकदीर हमेशा अच्छी हो, ये बात कोई जरूरी नहीं है। चलो अब तुम्हारी कहानी हम लिखेंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।